कवर्धा जिले में एक युवा बैगा की इलाज के अभाव में मौत हो गई। मामला भोरमदेव थाना क्षेत्र के केजदा गांव का है। मिली जानकारी के अनुसार 18 वर्षीय तुकाराम बैगा बीते कुछ दिनों से बीमार था। परसों अचानक तबियत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती करने का निर्णय लिया। परिजनों ने पहले तो तुकाराम को खाट में डालकर किसी तरह सरौधा बांध पार कराया और फिर घंटों 108 का इंतजार किया। किसी तरह तुकाराम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कल उसकी मौत हो गई। समाज के पदाधिकारी काबू बैगा ने मामले में स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 108 को परिजन घंटों फोन लगाते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। काबू बैगा का आरोप है कि यदि तुकाराम को सही समय पर इलाज मिल गया होता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने कहा कि तकरीबन 3 घंटे बाद 108 पहुंची, तब तक परिजन तुकाराम को खाट में लेकर खड़े रहे। उन्होंने इसे स्थानीय प्रशासन की बड़ी लापरवाही करार दिया है। यही नहीं, काबू बैगा ने जिले के कुछ बड़े अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब परिजन तुकाराम को लेकर बांध का उलट पार कर रहे थे, उस दौरान जिले के कुछ जिम्मेदार अधिकारी वहां बांध का निरीक्षण करने पहुंचे थे। अधिकारी सब कुछ देखते रहे, लेकिन उन्होंने पीड़ित परिवार की कोई मदद नहीं की। साथियों के माध्यम से हम लोग जो है उस पीड़ित जो है उनको खाट में लेटाकर जो है हम लोग यहाँ वापस उनको उलट से इस पर लाए। उसके बाद जो है 108 112 गाड़ी से लगातार हम लोग बात किए तो, लेकिन वो नहीं पहुँच पाए। वहीं डिप्टी कलेक्टर एग्रीकल्चर के एक साहब पहुँचे हुए थे उलट देखने, उन्होंने भी कोई मदद नहीं किया। फिर लगभग 3 से 4 घंटे के बाद जो है 108 गाड़ी पहुंचा, उसके बाद उनको ले गए। फिर अभी पता चला कि वह जो युवक है, बैगा युवक, उनका हॉस्पिटल में मृत्यु हो गया। तो मैं यही कहूंगा कि पूरा जो है 108 और स्वास्थ्य विभाग का लापरवाही है। अगर वो जल्दी आ जाते तो शायद उनका जीवन बच सकता। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें IDP24 न्यूज। और हाँ, YouTube में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।